चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने के बाद इसरो अब सूर्य पर जाने की तैयारी कर रहा है। जी हां, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो के वैज्ञानिक सूर्ययान लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन डायरेक्टर एम देसाई ने मीडिया को बताया है कि 2 सितंबर को भारत का पहला सूर्य मिशन श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसरो अपने इस मिशन में सूर्य से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 रखा है, लेकिन सवाल है कि मिशन कितने समय तक करेगा काम, सूरज तक जाने में आखिर कितने दिन लगेंगे, आदित्य L1 नाम इतना खास क्यों है और क्यों रखा गया है, और इसरो के लिए क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। अब जानिए कि सूर्य तक जाने में कितने दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 को लॉन्च होने के बाद उसकी सफल लैंडिंग में 40 दिन का समय लगा था, लेकिन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा, ये इसरो की तरफ से कहा गया है। इसरो के मुताबिक इसे सूरज की कक्षा में L1 पॉइंट तक पहुंचाने में 110 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी के इसकी दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। सूर्य मिशन का नाम आदित्य L1 आखिर क्यों रखा गया है, ये नाम इतना खास क्यों है वो जानिए। इसरो ने चांद पर जाने वाले मिशन का नाम चंद्रयान रखा था, लेकिन इस बार सूर्य पर जाने वाले मिशन का नाम सूरज या सन जैसे शब्दों पर नहीं रखा गया है। इसरो ने बताया है कि भारत का ये मिशन सूरज पर उतरने नहीं जा रहा, बल्कि इसके नाम में सूरज और सौर्य शब्द को नहीं जोड़ा गया है। आपको बता दें कि आदित्य L1 सिर्फ सूरज की कक्षा लैग्रेंज बिंदु 1 पर सैटेलाइट के रूप में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, इसी कारण से इसके नाम में L1 शब्द को जोड़ा गया है। आदित्य L1 मिशन सूरज से निकलने वाले किरणों का अध्ययन करेगा और इस मिशन के तहत इसरो ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि सूरज की किरणें अंतरिक्ष में होने वाली सभी गतिविधियों को कैसे प्रभावित करती है। आदित्य L1 सूरज के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, बाहरी सतह यानी कोरोना पर नजर रखेगा। सूर्ययान आसपास मौजूदा कणों पर भी अध्ययन करेगा और साथ ही सूरज से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का भी अध्ययन करेगा। अब जानिए कि आखिर ये मिशन कितना समय लेगा। इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 मिशन करीब 5 साल तक सूरज से निकलने वाली किरणों का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 में 7 पैलोड्स लगे हुए हैं जो सूरज से निकलने वाली किरणों का गहन अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन को बनाने में कुल 378 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसरो के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं वो भी अब जान लीजिए। इसरो के मुताबिक सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती हैं। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां पर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए लैग्रेंज पॉइंट को चुना है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज 1 पॉइंट पर भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जा रही है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है, लेकिन भारत ने जब 2019 में चंद्रयान 2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी तब लैंडर से उसका संपर्क टूट गया था। ऐसे में लैग्रेंज 1 की 5 गुना दूरी काफी मायने रखती है और इस दूरी पर आदित्य L1 के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस मिशन में लगने वाला समय भी एक बड़ी चुनौती है इसरो के सामने, लेकिन देखना है इस चुनौती को इसरो कैसे पार करता है, क्योंकि अब जो अगला मिशन इसरो के सामने है चंद्रयान के बाद वो है आदित्य L1, और अब हम चंद्रयान के बाद चंद्रमा के बाद सूरज का और सूरज के किरणों का अध्ययन करने वाले हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।